हाय फ्रेंड्स, रियल इंडियन मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे घरेलू किचन टिप्स जो आपके कामों को भी आसान करेगा और आपके समय को भी बचाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, साथ में एक लाइक ज़रूर कर देना। आइए देखते हैं टिप्स नंबर 1। अक्सर क्या होता है, हम प्रेशर कुकर में कुछ भी पकाते हैं तो 3-4 सीटी लगने के बाद प्रेशर कुकर खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभार तो हमारे पास समय भी कम होता है और प्रेशर कुकर खोलने के नाम ही नहीं लेता। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुकर के ऊपर कुछ इस तरह से पानी डाल दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो आप देख पाएंगे कि कुछ ही देर में आप प्रेशर कुकर बहुत ही आसानी से जल्दी खोल पाएंगे। देखिए, मैंने इस तरह से इसमें पानी डाला और ये जो प्रेशर कुकर है ये आसानी से खुल जाएगा। देखिए, खुल गया है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आइए देखते हैं टिप्स नंबर 2। अक्सर क्या होता है, हम जो मार्केट से धनिया पत्ता लाते हैं वो एक दिन रखने में ही सूख जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर पॉलीथीन में ही लाए तो उसमें ही रख दीजिएगा बांध के, और वरना पॉलीथीन में नहीं लाए तो आपके पास जो पॉलीथीन है उसमें रखकर, अगर आपके पास फ्रिज हो तो फ्रिज के अंदर रखिए, वरना फिर ऐसे ही बाहर रख दीजिए। हाँ, पॉलीथीन को ज़रूर बांध के रखना। इस तरह से रखने से धनिया का जो पत्ता है वो 3-4 दिन के लिए ताज़ा ही रहेगा। आइए देखते हैं टिप्स नंबर 3। सर्दियों के मौसम में हमारे पास जो घी होता है घर पर वो जम जाता है, और उसे निकालने के बाद वो इस तरह का दिखता है, वो मेल्ट नहीं होता है। तो इसे मेल्ट करने के लिए एक चम्मच गैस के ऊपर रख दीजिए और उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और उससे आप घी निकाल के देखिए, घी जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी और आप पराठा या फिर ब्रेड जिसके ऊपर भी आप लगाना चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट होके ये लग जाएगा और आप अच्छी तरह से खा पाएंगे। आइए देखते हैं टिप्स नंबर 4। अक्सर क्या होता है, सर्दियों में हमारे पास मार्केट से नए आलू आते हैं और नए आलू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पर इसे छीलना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, कुछ इस तरह से छील ही नहीं पाते हैं हम लोग। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उबलते हुए आलू ले लीजिएगा, और आलू अगर आलू ठंडा हो तो हाथ से ही दबाकर हाथ से ही निकाल सकते हैं, वरना फिर अगर गर्म हो तो इसके ऊपर एक कटोरी लीजिए और इसके ऊपर का जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह सारे आलू के हम जो छिलके हैं ये निकाल लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से दबा दबा कर आलू के जो छिलके हैं वो आसानी से निकाल रहा है ना, बहुत ही कमाल का टिप्स। अगर ये टिप्स आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, साथ में लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही और वीडियो ला पाऊँ।